वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड केक की रेसिपी। उसके लिए लिया है 1 कप मैदा और 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना घी या बटर या ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना शुगर। ये पाउडर शुगर है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक विस्कर की मदद से। अभी लेंगे एक सीव और इसमें डालेंगे मैदा। और कस्टर्ड पाउडर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर और 4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। इन सबको छान लेंगे। अभी 1 कप जितना दूध लिया है और दूध की मदद से इसको एक बैटर बनाएंगे। अभी मिक्स करेंगे 1 टीस्पून नींबू का जूस और 1 पिंच नमक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है हमारे केक के लिए ये स्मूथ बैटर। तो अभी हम एक केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। अभी मैंने एक केक टिन ले लिया है और उसमें लगाएंगे एक बटर पेपर और इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छे से। अभी बैटर को केक टिन में डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इधर मैंने एक बर्तन रखा है गैस पे प्री हीट होने के लिए, तो उसमें अभी हम रख देते हैं केक को बेक होने के लिए। 35 से 40 मिनट तक हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। अभी 40 मिनट्स हो गए हैं और हम केक को चेक कर लेते हैं। एक चाकू की मदद से चेक कर लेंगे। ये चाकू देखिए बहुत ही क्लीन निकला है, मतलब केक तैयार है। तो हम अभी गैस को करते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं केक को। केक अभी ठंडा हो चुका है तो इसको हम चाकू की मदद से किनारे निकाल देंगे। और एक प्लेट लेंगे, उसकी मदद से टैप करके निकाल देंगे। पेपर निकाल देंगे हम। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। मैंने बनाया है कस्टर्ड का फ्रॉस्ट, इसको ऊपर से लगा देंगे। 2 कप दूध में 4 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल करके और इसको गाढ़ा कर लिया है बस। अभी हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। अभी बीच में लगा देते हैं चेरीज, बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
बीच में डालेंगे थोड़ा सा एडिबल स्प्रिंकल्स। तो तैयार है हमारा कस्टर्ड से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत केक। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।